नमस्कार सभी लोगों को, और मैं पहले भी आ चुकी हूँ सीटेट दिसंबर इंटरवेंशन केस में। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि हमारा जो इंटरवेंशन का केस है उसको पिछली तारीख में एक्सेप्ट कर लिया गया और मुन्नी शुक्ला जी हमारी इंटरवेनर हैं। और अब जो आगे की तारीख मिली है 2 नवंबर, उसमें बहस जारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगी कि जो लोग भी आर्थिक सहयोग नहीं दिए हैं वो लोग कृपया आर्थिक सहयोग दे दें। किसी एक व्यक्ति का ये केस नहीं है, ना मेरा है, ना आपका है, ना सचिन जी का है, किसी का नहीं है। ये सभी का केस है और सभी लोग के सहयोग से ही लड़ा जाएगा। संघ का केस है ये एक तरीके से, तो संघ जो भी आगे आए हैं तो उनके द्वारा ही सब किया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सहयोग करें और जितना कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दूसरी बात कि जानबूझकर के हमारी बहाली को फंसाने के लिए 7-7 केस को टैग कर दिया गया है। अब 7 केस उधर से टैग है, उनके उतने सारे वकील आएंगे केस को लड़ने के लिए, तो हमारा भी पक्ष तो मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए हमें आर्थिक सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरी बात कि इन लोगों में नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो 7-7 साल से बहाली का इंतजार कर रहे हैं कि अब बहाली होगी। गरीब है, लाचार है, दिव्यांग है, और नैतिकता का इन लोगों में इतना पतन हो गया कि इन लोगों की बहाली रोक करके बैठे हुए हैं। तो इस पर मैं क्या डिस्कस करूँ जब इंसान को खुद ही रियलाइज़ नहीं है कि वो कितना गलत किया हुआ है। ये नहीं कि अगली बहाली का ये लोग सोचते और नोटिफिकेशन वगैरह निकलवाते कि नेक्स्ट बहाली में इनको फिर मौका मिले। तो खैर, इस बात पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। जहाँ तक एप्लीकेशन क्लोज़र की डेट है तो वो मैं आज भी बोल रही हूँ कि 23 नवंबर 2019 ही है, और सिर्फ NIOS DLED जो जुलाई पास थे सिर्फ उनके लिए कोर्ट के ही आदेश से दिया गया है। गवर्नमेंट का ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ था, कोर्ट ने आदेश दिया, गवर्नमेंट ने फॉलो किया। और देर इसलिए हुई क्योंकि कोरोना था, तो कोरोना की वजह से बहुत दिन तक बहुत पूर्ण लॉकडाउन था और उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ है। और जो पहली बार भी ये लोग क्लेम करते हैं कि बार बार डेट बढ़ाया गया, तो अरे भैया डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, तो क्या डूब करके नाव पर बैठ बैठ करके हम लोग एप्लीकेशन डालने जाते? ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट हुआ, पिछले साल का रिकॉर्ड आप देख लो, ठीक है? तो उस गवर्नमेंट की व्यवस्था थी कि पूरा डूबा हुआ था तो उसे डेट बार बार बढ़ाना पड़ा, कहीं पे रोस्टर नहीं निकला था तो वो रीज़न है, तो वो बार बार करना ही पड़ेगा। पर 23 नवंबर के बाद कोई भी डेट नहीं बढ़ा है, वही लास्ट डेट था। और उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी वही उसका वो लास्ट डेट माना जाएगा। तो आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2019 ही है, कल भी यही था और आज भी यही है और हमेशा यही ही रहेगा कट ऑफ डेट, ठीक है? और जो 8 जून 2020 आप लोग शो कर रहे हो वो सिर्फ NIOS DLED के लिए है। ऐसा नहीं है कि हमने भी मान लो एक ही दो डिस्ट्रिक्ट भरा, तो ऐसा थोड़ी ना कहा गया कि अब जाइए आप जाकर के भर लिए। गलत कब होता? जब हम लोगों को दिया जाता और उन्हें नहीं दिया जाता तब होता कि ये तो गलत है। पर किसी को नहीं दिया गया, सिर्फ कोर्ट के आदेश से NIOS DLED जो जुलाई पास थे सिर्फ उन्हें दिया गया है। तो ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को, तो इसीलिए हम लोग को भी अपना पक्ष रखना है। और मैंने गवर्नमेंट का काउंटर फाइल देखा हुआ है, उन्होंने भी अपना हमारे पक्ष। नेक्स्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो एक यूट्यूबर हैं जो बहुत, उनमें तो नैतिकता नाम की खैर कोई चीज़ ही नहीं है, और वो बार बार पिछले महीने से ही मैं सुन रही थी कि वो शोर मचा रहे थे कि गवर्नमेंट ने तो कोई काउंटर किया ही नहीं है, हमारी जीत तो पक्की है, गवर्नमेंट ने नहीं किया है। अरे भाइयों बहनों, मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने 2 महीना पहले ही सीटेट दिसंबर केस में इंटरवेंशन तो हम लोग किए हैं, पर सीटेट दिसंबर केस में काउंटर वो 2 महीना पहले ही कर चुके थे, ठीक है? और काउंटर मैंने पढ़ा है और उसमें उन्होंने 23 नवंबर 2019 ही लास्ट डेट रखा हुआ है। इतना मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और ये लोग जानबूझ करके करते हैं ताकि धन उगाही कर सके। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम लोग सिर्फ अपनी रक्षा के लिए वकील खड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई केस किया हुआ है किसी बहाली के ऊपर। अपनी रक्षा करना, और अपनी रक्षा करना तो सबका धर्म होता है, हमारा आपका सबका धर्म है। तो अगर कोई हमारे ऊपर केस करेगा, हमारी बहाली के ऊपर केस करेगा, तो क्या हम अपना वकील खड़ा नहीं करें? हमें तो अपना वकील खड़ा ही करना होगा। तो बस हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि जो भी पहले पास, जो भी अभ्यर्थी हैं, सब लोग एकजुट हुए, एक मंच पे आए और सब लोग बहाली को बचाने में जो भी आर्थिक सहयोग है, मानसिक सहयोग है, जिस तरीके का भी सहयोग है वो सहयोग करें। जो जितना कर सकते हैं वो उतना ही करें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सभी की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, तो कोई कितना भी कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है। जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो कहाँ से करेंगे? पर वकील को तो फी देना ही होगा, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है? तो यही मैं कहूँगी कि ऐसे यूट्यूबर से आप लोग सावधान रहें जो अपना उल्लू सीधा करते हैं और बोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है? मैं कभी आती भी नहीं थी ये लाइव आना या फिर यूट्यूब पे आ गई। बहाली की वजह से मेरी मजबूरी है कि आना पड़ रहा है, मुझे ये सब पसंद उतना नहीं है। मैं पढ़ाती हूँ और मुझे वही बस अच्छा लगता है, और मुझे इतना फुर्सत भी नहीं है
बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे फुर्सत नहीं है बच्चों को पढ़ाने से। मैं बच्चों को मतलब पढ़ाती हूँ तो उन्हीं लोगों में मैं भर दिन बिज़ी रहती हूँ। अभी तो कोरोना के वजह से स्कूल वगैरह बंद है तो थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है। अभी तो खुद स्कूल खुलने वाला है, फिर मुझे तो फुर्सत भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सभी एकजुट हो जाएं, जो पहले पास भाई बहन हैं। धन्यवाद।